तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हमारे पास है यहाँ पे ऑनर का 8A, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में आपको रिव्यू भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वो भरत रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो हमारे पास जो फोन है यहाँ पे आपको मिलता है 32 GB स्टोरेज, 2 GB रैम, ब्लू कलर का है। तो हम इसे फटाक से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फ़ोन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का। और बॉक्स के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, साथ में आपको क्विक गाइड, और यहाँ पे आपको एक कवर भी मिल जाता है, ठीक है, फ़ोन के साथ। तो अच्छी बात है, ऑनर के फ़ोन में ज़्यादातर आपको कवर ओवर मिल जाता है। और चार्जर की बात करें तो आपको यहाँ पे चार्जर मिलता है, और यहाँ पे माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है। और इस चार्जर की बात करें तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर नहीं है, तो आपको चार्ज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्लो चार्जिंग करता है। और साथ में आपको मिल जाता है हेडफोन भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी हम प्राइसिंग की बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ़ोन को हम इससे निकाल लेते हैं, और ये हमारा फ़ोन है तो इसे हम बूट कर लेते हैं। वाओ, तो यहाँ पे हमारा फ़ोन बूट हो रहा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक माइक और दूसरा स्पीकर, और साथ में आपको माइक्रो यूएसबी का पोर्ट, इस साइड आपको मिल जाता है 3.5 mm जैक, कॉर्निंग ग्लास मिल जाता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नॉच भी मिल जाता है, अच्छा फ़ोन है। यहाँ पे हम फटाफट से इसे सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो फ़ोन हमारा बूट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपको मिलता है प्रोसेसर मीडियाटेक का, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो फ़ोन अवार्ड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का ऑलरेडी अपडेटेड मिल जाता है आपको। यहाँ पे मीडियाटेक का 6765 यानी हीलियो P35 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है। और इंटरनल स्टोरेज आपको 25 GB फ्री मिल जाता है, 32 GB स्टोरेज वाला फ़ोन है। 720p वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है SD का। और यहाँ पे आपको अपडेटेड करना पड़ेगा फ़ोन, क्योंकि इसमें 1 दिसंबर 2018 का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। तो फ़ोन को आप जब अपडेट करोगे तो आपको मार्च वाला अपडेट मिल जाएगा। और पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको डुअल कलर मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको शाइनिंग मिल जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है f1.8 अपर्चर का कैमरा, जो कि अच्छा है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, इसमें आपको फेस ID लॉक भी मिल जाता है, तो आपको अच्छा है। और इसमें बैटरी की बात करें तो आपको 3020 mAh की बैटरी मिल जाती है, 6 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है HD वाली। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो अनबॉक्स किया था उससे तो ये बेटर है, क्योंकि इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाता है। तो फ़ोन ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इसका प्राइसिंग की बात करें तो ये फ़ोन आता है यहाँ के 500 रियाल का, तो इंडिया में 9000 के आसपास का ये फ़ोन है। तो 9000 की सेगमेंट में ये फ़ोन मुझे अच्छा लगा, इसकी सारी चीज़ें आपको इसमें। प्रोसेसर मिल जाता है ओक्टा कोर का, जो कि 2.3 GHz पे 4 कोर काम करता है, और 1.8 GHz पे 4 कोर यानी 8 कोर का प्रोसेसर हो गया। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइएगा, इस फोन के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।